हेलो दोस्तों, अच्छा सब कुछ डाला और ये है टेक मसाला। मेरा नाम है समी और मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं वस्यूस। तो काफी टाइम बाद एचटीसी ने इंडिया में दो नए फोन लॉन्च किए हैं, राइट जी। एचटीसी का यू अल्ट्रा एंड यू प्ले। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि एचटीसी यहां से क्लीन आउट हो जाएगा। ऑफ कोर्स बॉस, आप कंपीट नहीं कर सकते वन प्लस और शाओमी से। बिल्कुल नहीं, और इन स्पेक्स के साथ और इन प्राइस के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। उसकी जो प्राइस है यू अल्ट्रा की वो है 59,990 रुपए और यू प्ले की जो है वो है 39,990 रुपए। बल्कि यू प्ले में तो मीडिया टेक प्रोसेसर है जी, मीडिया टेक के लिए 40,000 रुपए लेंगे आपसे एचटीसी। हाँ। वाले और जो यू अल्ट्रा है उसमें एचटीसी ने 821 दिया है। 821 पहले से ही प्रोसेसर वन प्लस 3T में है और वन प्लस 3T बहुत सस्ता है। हाँ यार, इसके अंदर तो सिर्फ 4GB रैम है। हाँ, उसमें 6GB रैम है। यही तो, और इसमें सिर्फ 64GB इनबिल्ट मेमोरी है और वन प्लस 3T में 128 का भी ऑप्शन है। हाँ, तो मेरे ख्याल में तो एचटीसी को ये सोचना चाहिए वो क्या कर रहे हैं इंडिया में। ना आपने कुछ उसमें बेटर ऑप्शन दिया है ना कुछ, और अगर आप उसमें ये बोल रहे हो कि कैमरा अच्छा है तो यार 60,000 की रेंज में कोई भी गूगल का फोन क्यों ना लेगा और एप्पल का फोन क्यों नहीं लेगा। पिक्सल ले लो भाई, सीधी बात है, पिक्सल लो, रिलायबल है, अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगी फोटोज पे, और QHD स्क्रीन भाई हमें नहीं चाहिए, आप फुल HD दो। हाँ चलेगा, कौन ले रहा है QHD, नहीं चाहिए। और स्क्रीन साइज भी बहुत ज्यादा बड़ा रखा है, 5.7 इंच एक हैंडी फोन के हिसाब से सही नहीं है। नहीं, हाँ वो नोट सीरीज में अच्छा रहता है। हाँ, सैमसंग में तो जियो ने अपने प्लान्स रिवील कर दिए हैं। बिल्कुल, और जियो ने जो लॉन्च किया वो एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है। यस, इसके बारे में बहुत लोगों को कंफ्यूजन है क्योंकि काफी सारी इंटरनेट मीडिया ने वो गलत छापा था। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर चला रहे हैं लोग या जो नया कनेक्शन लेंगे इस बीच में, वो अप्लाई कर सकते हैं प्रीमियम मेंबरशिप के लिए जिसमें उन्हें देने पड़ेंगे 99 रुपए पूरे साल के लिए। क्या बात है। हाँ, लेकिन इसमें कैच है। 99 रुपए देने के बाद वो तो आपकी प्रीमियम मेंबरशिप हो गई, आपको भरने पड़ेंगे हर महीने 303 रुपए यानी कि 10 रुपए पर डे। ये 10 रुपए पर डे का क्या भाई, 303 रुपए में आप यूज कर पाएंगे सेम हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, मतलब 1 GB पर डे का डेटा यानी कि 30 GB पर मंथ। और जो नहीं लेना चाहते हैं वो अपने रेगुलर प्लान्स ले सकते हैं 1 अप्रैल से, जैसे कि 150 रुपए से जो स्टार्ट है। तो बहुत ही कन्वीनियंट चीज है ये। हाँ, लेकिन जिसमें आपको सिर्फ 300 MB डेटा मिलेगा महीने के लिए। तो जिसको डेटा का यूसेज नहीं है वो तो ले सकते ले सकते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जियो कमा कैसे रहा है, सही बात, इतने सस्ते प्लान देके। मैं आपको ये बता दूं कि जब आप और सिम लेते थे तो उसमें वैलिडिटी होती थी 2 साल 3 साल, ठीक है, आप उसमें टॉप अप कराइए, उसे यूज करिए, नहीं यूज करना टॉप अप मत कराइए, लेकिन आपका सिम चलता रहेगा। यहां जो जियो की कंडीशन है वो है हर महीने की, क्योंकि आप उसमें यूज कर रहे हैं अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड रोमिंग, तो भाई आपको कुछ तो पे करना पड़ेगा, यहाँ जियो कमा रहा है। तो गौरव, हुआवे ने अपना नया फोन अनवील किया है अभी चाइना में। यस, हुआवे ने जो फोन अनवील किया है वो है ऑनर V9। जी हाँ, ऑनर V9 उन्होंने ऑफिशियली अनवील कर दिया है, जिसकी रफली कीमत भारत में 30,000 है। हाँ। वो तो आने के बाद पता चलेगा। हाँ। और यहाँ शायद वो ऑनर 8 प्रो के नाम से आ सकता है। आ सकता है। इस फोन में हुआवे ने 2 कैमरा दिए रेयर में 12 मेगापिक्सल के, एंड फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम दिया है और 5.7 इंच का QHD डिस्प्ले है। yes. तो आप देख लें HTC या Honor, प्राइस डिफरेंस यार Honor ही प्रेफर करूंगा। 50% एग्जैक्टली। अगर हाँ उन्होंने ये 30,000 में, या मेरे ख्याल में अगर वो 35 में भी उतारते हैं तो बेटर ऑप्शन है HTC। हाँ, QHD स्क्रीन भी आ गई, सही बात है। तो काफी अच्छा फोन लग रहा है स्पेक्स के हिसाब से, और लुक्स भी बहुत अच्छे हैं। मेरे को कलर्स बहुत अच्छा लगता है, एक ब्लू कलर Huawei का बहुत बहुत ब्रिलियंट कलर है। हाँ, और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। यस, बैटरी भी अच्छी है, 4000 mAh की बैटरी है। हाँ, थोड़ा हैवी फोन है, अब वो तो होगा ही यार, क्योंकि इतना बैटरी पावर मिल रहा है तो हैवीनेस तो आएगी। और साथ में उन्होंने 6GB रैम और 960 SoC जो कि Huawei का अपना चिपसेट है क्रिन, तो वो उतारा है,
तो देखते हैं कैसा रहेगा अगर ये भारत में आया। बट ये चीज मैंने सोची है कि यार हुआवे को अब किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने खुद के अपडेट्स निकाल सकेगा बिना सोचे। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये वन प्लस को कड़ी टक्कर भी देगा। हाँ, क्योंकि इसके किरिन जो चिपसेट है वो काफी अच्छे हैं जी, और मैं ऑनर 8 यूज कर चुका हूँ और वो काफी अच्छा, बस वहां मात खाई थी उसने कि उसमें वोल्टी अपडेट नहीं आया था और मुझे अभी भी नहीं पता क्या आया कि नहीं। कंपनी ऑफिशियल्स भी उसे कंफर्म नहीं कर पाए थे उस अपडेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं कितना तेजी से ये भारत में लेकर आते हैं और इसके अपडेट्स कितनी जल्दी हमें मिलेंगे। तो एक मिड रेंज फोन और लॉन्च हुआ है LG का, LG K10। भाई ना करो लॉन्च इसे प्लीज। LG और HTC ने पता नहीं क्या टीम वर्क करके रखा है या क्या, इन्हें फ्लॉप 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 करने वाले फोन क्यों निकाल रहे हैं भैया आज के जमाने में। हाँ, 13,990 में HD स्क्रीन लोगे सिर्फ 720p, मजाक है। वही तो, मतलब इससे अच्छे अच्छे फोन हैं, जैसे अभी मैंने एक लेनोवो K6 पावर लिया और वो बहुत ही बेहतरीन फोन है। हाँ, कितना अच्छा फुल HD स्क्रीन, फुल HD स्क्रीन है। हाँ, और अगर आप 1,000 ऊपर भरो तो 4GB वाला मिल जाता, मिल जाता है। मगर यहाँ पे LG ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड सारे और आपको दे रहा है 16GB की स्पेस जिसमें मुश्किल से 12GB मिलेगा। हाँ, आपको, और 2GB रैम। यार मेरे को है ना मेरे पापा के M3 की याद आ गई। यार स्पेक्स देखो, 2800mAh बैटरी, ठीक है, और मीडिया टेक का सड़ा हुआ MT6750 प्रोसेसर। भाई है यार ये तो 4,000 रुपए में भी मैं नहीं लूंगा। सही बात है, क्योंकि यार आप क्यों लोगे ऐसा फोन, ना उसमें आपको कुल ढंग का मिल रहा है, ना उसमें मेमोरी स्पेस ज्यादा है, ना उसका डिस्प्ले अच्छा है, और 720p डिस्प्ले लेके अपनी आंखें थोड़ी ना खराब करनी है। हाँ, यार वो भी 13,990 का। हाँ भैया Redmi Note 4 ले लो, जाओ जाओ जाओ, इतने रुपए हैं तो Redmi Note 4 4GB 64GB इनबिल्ट मेमोरी और क्या, बेस्ट ऑप्शन। गौरव, एक न्यूज तुम लेकर आए थे आज होंडा की तरफ से, WRV। यस, होंडा एक नई गाड़ी अनवील करने वाला है, हो सकता है नेक्स्ट मंथ उसे लॉन्च कर दे, WRV। ये BRV का एक छोटा वर्जन हो सकता है, ये कॉम्पैक्ट SUV और प्रीमियम हैचबैक के बीच का मॉडल है, जैस से शायद थोड़ा बड़ा हो सकता है या जैस जितना ही हो सकता है। बिल्कुल, इस कार की अनवीलिंग होने वाली है नेक्स्ट मंथ, और इस कार में मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी कि इसकी जो रियर सीट्स हैं वो रिक्लाइनर है। बाकी एज सच कंपनी ऑफिशियल्स ने कुछ इतना उस गाड़ी के बारे में लॉन्चिंग के लिए या कुछ बताया नहीं है कि उस गाड़ी में क्या होगा, बट लुक्स से तो बहुत ही फैंटास्टिक गाड़ी लग रही है। हाँ, मुझे लगता है होंडा को ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाँ, इस सेगमेंट में हाथ डालना ही पड़ेगा क्योंकि जैज इतनी चली नहीं, चाहे वो नई हो चाहे पुरानी। हाँ, और इस गाड़ी के प्राइसेस भी बहुत अच्छे निकाले हैं, मतलब जो होंडा ने प्राइस सेट किया है वो 6 to 10 lakhs के आसपास होने वाला है। हाँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हिंडे के साथ थोड़ा कम्पीट करें। हाँ, जैसे कि ग्रैंड i10 जो नई वाली है उनकी जो प्राइसिंग अगर वो मैच कर गए तो मेरे ख्याल में होंडा भी हिट हो सकती है। नहीं, बट मेरे को लगता है कि इस बार ग्रैंड i10 हो या i20 हो या इनफैक्ट पोलो हो, इनको टक्कर मिलने वाली है होंडा की वजह से, क्योंकि होंडा ने अभी होंडा सिटी लॉन्च किया 2017 मॉडल और देन WRV भी। प्लस इसमें एक आपको फायदा मिल रहा है कि इसमें आपको एवरेज बहुत अच्छा मिल रहा है, अगर आप डीजल वेरिएंट ले रहे हो तो इसमें आपको 26 तक का एवरेज मिल सकता है। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो गौरव आज यही रैप अप करते हैं। श्योर, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखिए कि आपको हमारे साथ और आगे क्या देखना है। जी हाँ, और हम मिलेंगे आपको फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।